हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जेएसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए रैपिड फायर 40 डेज रिवीजन प्लान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर आज 12वां दिन है। इससे पहले हमने 11 शानदार दिनों को कवर कर लिया है। अगर आप लगातार 40 दिनों तक इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं, इसके टारगेट को फुलफिल करते हैं, तो यकीन मानिए जेएसएससी सीजीएल को क्रैक करने के आप प्रबल दावेदार होंगे। ऐसा आप खुद से फील कर सकते हैं। केवल आपको 40 दिनों तक बहुत सीरियस होकर के बड़े शिद्दत के साथ इन सारे शेड्यूल को पूरा करना है। तो चलिए दोस्तों, आज का देखते हैं क्या करना है। इससे पहले हमने हिस्ट्री, पॉलिटी और बायोलॉजी को अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपने आपसे थोड़ी सी भी वहां पर चूक रह गई है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी और बायोलॉजी तीनों का मास्टर क्लास यहां पर डाल दिया जाएगा, जिसके बाद आप उसे सुन करके रिवाइज कर सकते हैं। अभी हमारा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, झारखंड जो कि ये चलते रहेगा, कंप्यूटर और करेंट अफेयर्स ये चल रहा है, आपको ये करने हैं। तो ज्योग्राफी में आज क्या देखना है, इंडियन ज्योग्राफी में आपको भारत का सामान्य परिचय, जो कि जिससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखे जाते हैं, ठीक है, कि भारत का तटीय सीमा की रेखा कितना है, स्थलीय सीमा रेखा कितना है, किन पड़ोसी देशों के साथ भारत सबसे लंबा बॉर्डर साझा करती है। तो ये सब जो कुछ सामान्य परिचय है, उसको हमने पहली क्लास में देखा था। आज आपको क्या देखना है, भारत का भौतिक स्वरूप, जो हिमालय है, ट्रांस हिमालय क्या है, बृहद हिमालय क्या है, शिवालिक श्रेणी क्या है, काराकोरम श्रेणी क्या है, तो ये सब आपको क्या है देखना है आज भारत के भौतिक स्वरूप में। अच्छा, ये बुक ल्यूसेंट या फिर जो क्राउन है, ये दोनों बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ले लेना चाहिए। दोनों बुक है, कोई बात नहीं, दोनों से आप कर सकते हैं, एक है उनमें से काम चलेगा। इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव की जब क्लास डाले जाएगी, ल्यूसेंट और क्राउन दोनों के ऑब्जेक्टिव डाल दिए जाएंगे, आपको केवल उसे सुन लेना है। आपको इन सारे रिवीजन करने के बाद उससे याद हो जाएगा पूरा का पूरा, आप बिल्कुल इस चीज से निश्चिंत रहें। आगे देखिए, फिजिक्स में हमने देखा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हर एक एग्जाम में अगर फिजिक्स से सवाल पूछे जाएंगे, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन मेजरमेंट से सवाल पूछे ही जाते हैं, आपने वो किया होगा। अब आज क्या करना है, मोशन को आज देखना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स, वेक्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब आज आपको मोशन में देखना है, जो लॉज ऑफ मोशन है, इक्वेशन मोशन, तो ये क्या है आज आपको देखना है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको यहां पर करवा दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे, ये सब आपको आज देखने ही देखने हैं। दोस्तों, झारखंड का हिस्ट्री कवर हो चुका है, उसे आप रिवीजन करते रहें। इसका जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में इसके एमसीक्यू डाले जाएंगे, ठीक है, जो कि मनीष रंजन सर की जो बुक है 7500 प्लस वाली क्वेश्चन, उससे डाल दिया जाएगा, आप उसे सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अभी झारखंड ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट में आपको जाना है और चौथा वीडियो आज आपको कंप्लीट कर लेना है। बहुत अच्छे तरीके से मैप के थ्रू वीडियो में झारखंड ज्योग्राफी को कवर कराया जाए, चाहे कुछ भी यहां पर कराया जाए, कंटेंट के साथ यहां पर कोई कोताही नहीं बरती जाती, ऐसा आप भली भांति जानते होंगे। कंप्यूटर में आज आपको क्या देखना है, 12वां वीडियो कंप्लीट करना है, और इसके बाद 15 वीडियो डाल दिया गया है, जब तक ये कवर होता है तब तक यहां पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम जल्दी करवा दिया जाएगा और उसके क्वेश्चंस भी करवा दिए जाएंगे। तो आपको केवल पढ़ाई करना है, सब कुछ आपके लिए परीक्षा हॉल्ट बना बना करके दे देगा। दोस्तों, करंट अफेयर्स में क्या करना है, जैसा कि मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि करंट अफेयर्स कोई एक सोर्स से करने से काम नहीं चलेगा। आजकल के कंपिटेटिव एनवायरमेंट या फिर सिनेरियो में देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स जो है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने की रीढ़ की हड्डी साबित हो रही है, और यहां पर एक दो सोर्स से नहीं, दो तीन सोर्स को यहां पर करवा दिया जाएगा। आपको केवल एग्जाम से पहले, एक महीना पहले सब कुछ मिल जाएगा, आपको वहां से सुन लेने हैं। अभी घटना चक्र दृष्टि का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य आपको जाकर के रिवाइज कर लेना है, और झारखंड का करंट अफेयर्स जो है दो तीन मैगजीन से भी डाल दिया जाएगा। अभी हमारे पास टाइम है, तो एक महीना पहले या डेढ़ महीने पहले एग्जाम के आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप बिल्कुल परेशान। चलिए, ये आपको 24 घंटों में करना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ अपने परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए काम करने को। वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को और खुद भी जरूर इस 40 डेज कंप्लीट रिवीजन प्लान को फॉलो करें। इसको इसके शेड्यूल को आपको क्या करना है, टारगेट को अचीव करना है डेली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।